हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जीएसटी में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म करेंगे। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इन जीएसटी। जीएसटी में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से सप्लाई के ऊपर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है और रिवर्स चार्ज लगता है। यानी रिवर्स चार्ज का मतलब है जीएसटी इज पेएबल बाय रिसिपियंट। ऑल द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट इज एप्लीकेबल ऑन रिसिपियंट। तो रिसिपिएंट पे कौन कौन से सर्विसेज कौन कौन से सर्विसेज है जिसमें टैक्स रिसिपिएंट को देना है। ये कौन कौन से सप्लाई है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस है जिसके ऊपर टैक्स रिसिपिएंट को देना है। तो आज हम लोग ये प्रोविजन करेंगे। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म चैप्टर नंबर 3 पे आते हैं, लेवी एंड कलेक्शन। लेवी एंड कलेक्शन चैप्टर 3 हमारा है, लेवी एंड कलेक्शन। 7 से 11 तक इसमें सेक्शन है। सेक्शन 7 स्कोप ऑफ सप्लाई। सप्लाई का मतलब क्या है ये हम लोगों ने देख लिया, हम लोगों ने सप्लाई का मीनिंग समझ लिया। सेक्शन 8 है कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई क्या है, ये भी प्रोविजन हम लोगों ने कर लिया। सेक्शन 9 है लेवी एंड कलेक्शन। लेवी एंड कलेक्शन हम लोगों ने किया था, लेकिन लेवी एंड कलेक्शंस का अभी सेक्शन 9 का सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 4 आज करेंगे, जिसमें पावर दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है सप्लाईज को जिसके ऊपर रिवर्स चार्ज लगता है। तो सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 और सेक्शन 9 सबसेक्शन 4, ये दो सबसेक्शन आज हम लोग रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में फिर से कवर करेंगे। तो और सेक्शन 10 कंपोजिशन लेवी और सेक्शन 11 ये हम लोग बाद में करेंगे। अब सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 ये हम लोगों ने पहले भी किया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ये सेक्शन पावर दिया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशंस से कुछ सप्लाईज को नोटिफाई कर सकता है और नोटिफाई करके ये कह सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट कि इन सप्लाईज के ऊपर जीएसटी रिसिपिएंट पे करेगा, सप्लायर को जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। तो ये कौन कौन से सप्लाईज हैं ये हम लोग आज करेंगे। और एक बार रिवर्स चार्ज का प्रोविजन एप्लीकेबल हो गया, देन ऑल द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट विल बी एप्लीकेबल ऑन द रिसिपिएंट। ये 9(3) कहता है और 9(4) कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया है सेक्शन 9(4) कि सेंट्रल गवर्नमेंट सप्लाईज को नोटिफाई कर सकता है ऑन रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी नोटिफिकेशन इश्यू करेगा उसके लिए जीएसटी काउंसिल का रिकमेंडेशन मैंडेटरी है। जीएसटी काउंसिल जब तक रिकमेंडेशन नहीं देगा तब तक सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी नोटिफिकेशन इश्यू नहीं कर सकता। तो नोटिफाई कर सकता है कैटेगरीज ऑफ सप्लाईज और नोटिफाई कर सकता है स्पेसिफाइड रजिस्टर्ड रिसिपिएंट कि जिनके ऊपर ये प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। तो ये कहता है कोई भी अनरजिस्टर्ड सप्लायर है और कोई स्पेसिफाइड रजिस्टर्ड पर्सन को नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ सप्लाई देता है तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल होगा। वंस रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इज एप्लीकेबल देन ऑल द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट विल बी एप्लीकेबल ऑन द रिसिपिएंट एंड रिसिपिएंट इज लायबल टू पे टैक्स अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ये हमारा सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 ऑफ सीजीएसटी एक्ट है। तो सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 और सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 है। सिमिलर सेक्शन आईजीएसटी एक्ट में है और सिमिलर सेक्शन आईजीएसटी एक्ट में है और चैप्टर नंबर 3 में बताया। आईजीएसटी एक्ट का चैप्टर नंबर 3 में 2 सेक्शन है। सेक्शन 5 दैट इज कॉल्ड लेवी एंड कलेक्शन दैट इज इक्विवेलेंट टू द सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 9 के इक्विवेलेंट सेक्शन आईजीएसटी एक्ट में है सेक्शन 5।
और सेक्शन 6 हाफ पावर टू ग्रांट एग्जेम्पशन, ये हम लोग बाद में देखेंगे। तो आज हम लोग रिवर्स चार्ज कर रहे हैं, तो सेक्शन 5 के सबसेक्शन 3 पे आते हैं। सेक्शन 5 सबसेक्शन 3 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, 5 आईजीएसटी एक्ट का है और सेक्शन 9 सीजीएसटी एक्ट का है। तो सेक्शन 5 सबसेक्शन 3, यहां भी सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया है ये सेक्शन। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो सप्लाई, कुछ सप्लाइज को नोटिफाई कर सकता है ऑन रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल, और नोटिफाई करके ये सेंट्रल गवर्नमेंट बता सकती है कि किन किन सप्लाइज के ऊपर टैक्स की लायबिलिटी रिसिपिएंट की होगी। तो ये नोटिफिकेशन भी हम लोग पढ़ेंगे, नोटिफिकेशन अंडर सीजीएसटी एक्ट और नोटिफिकेशन अंडर आईजीएसटी एक्ट, दोनों नोटिफिकेशन हम लोग करेंगे। और सेक्शन 5 सबसेक्शन 4 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, आईजीएसटी एक्ट का सेक्शन 5 सबसेक्शन 4 है, ये कहता है कि रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल ऑन अनरजिस्टर्ड सप्लायर टू द स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ रेसिपिएंट और सर्विस सप्लाई का नेचर नोटिफाई होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट से, कि जो भी आप सप्लाई कर रहे हैं दैट सप्लाई इज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है सप्लाई को और अनरजिस्टर्ड पर्सन सप्लाई देता है स्पेसिफाइड रजिस्टर्ड पर्सन को, तो रिवर्स चार्ज लगेगा। और यहाँ टैक्स अनरजिस्टर्ड पर्सन को कुछ नहीं लगेगा, जो रजिस्टर्ड स्पेसिफाइड रजिस्टर्ड पर्सन है उनको टैक्स देना है, और इस एक्ट का तो सारे प्रोविजंस उसी पर्सन के ऊपर लगेगा, रिसिपिएंट के ऊपर लगेगा। ये 5-4, तो 5-4-9-4 बराबर है, 5-4-3-4, 5-4-9-4 बराबर है, 5-3-9-3 बराबर है, दोनों एग्जैक्टली सेम सेक्शन है, एक्ट का डिफरेंस है, नंबर सेक्शन नंबर का डिफरेंस है। अब आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई करके बता दिया है कि इन गुड्स के ऊपर अगर ये गुड्स अगर आप सप्लाई करोगे तो सप्लायर को टैक्स नहीं देना है, रिसिपिएंट को टैक्स देना है। सप्लाइज ऑफ गुड्स टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, कौन कौन से गुड्स हैं ये हम लोग देख लेते हैं। टोटल 10 गुड्स को नोटिफाई किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन से 10 10 गुड्स को नोटिफाई किया है जिसके ऊपर टैक्स देना है रिसिपिएंट को, यानी जो इन गुड्स को रिसीव करेगा दैट पर्सन विल बी लायबल टू पे टैक्स अंडर सीजीएसटी एक्ट। Provisions of the provisions of CGST Act will be applicable on such a recipient. तो पहला आइटम है कैस्यू नट्स, काजू, काजू है इसके ऊपर लगा दिया है, नॉट शेल्ड और पिल्ड, चाहे वो सेल्ड हो या शेल्ड हो या पिल्ड हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैश्यू नट्स के ऊपर जीएसटी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में लगेगा, यानी जो कैसियो नट्स परचेज करेगा उनको, यानी जो सप्लाई रिसीव करेगा, रिसिपिएंट विल बी लायबल टू पे जीएसटी। बीरी रैपर लिप्स, जिसको हम लोग तेंदू लिप्स भी कहते हैं, बीरी रैपर लिप्स, तेंदू लिप्स, जिससे बीड़ी बनाते टाइम तंबाकू को इन पत्तों में लपेटा जाता है, इनके ऊपर भी टैक्स उनको देना है जो ये लीव्स खरीदेगा। टोबैको लीव्स, तंबाकू के पत्ते जो खरीदेगा उनको टैक्स देना है। रॉ कॉटन, रॉ कॉटन, कोई एग्रीकल्चरिस्ट है, कोई रजिस्टर्ड पर्सन को रॉ कॉटन सप्लाई करता है तो वहां पे रजिस्टर्ड पर्सन को टैक्स देना है, एग्रीकल्चरिस्ट विल नॉट बी लायबल टू पे टैक्स। एग्रीकल्चरलिस्ट को कोई टैक्स नहीं देना है। सप्लाई ऑफ लॉटरी, लॉटरी टिकट सप्लाई करता है स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी टू द डिस्ट्रीब्यूटर और सेलिंग एजेंट ऑफ लॉटरी टिकट, तो यहाँ पे टैक्स देना है डिस्ट्रीब्यूटर को और सेलिंग एजेंट को। सेलिंग एजेंट और डिस्ट्रीब्यूटर शैल बी लाइबल टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। सिल्क यार्न,
सिल्क यार्न है, यहाँ मैन्युफैक्चरर ऑफ सिल्क यार्न किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करता है। मैन्युफैक्चरर ऑफ सिल्क यार्न किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सिल्क यार्न सप्लाई करता है, तो मैन्युफैक्चरर को कोई टैक्स नहीं देना है। रजिस्टर्ड पर्सन हु रिसीव्ड द सप्लाई शैल बी लाइबल टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। उसके बाद सेवेंथ आइटम है यूज्ड व्हीकल। यूज्ड व्हीकल को आप सप्लाई कर रहे हो तो रिसिपिएंट विल बी लायबल टू पे टैक्स। सीज्ड और कन्फिस्केटेड गुड्स यानी जीएसटी एक्ट में जो भी गुड्स या कोई भी प्रोविजंस ऑफ लॉ में यानी एनी एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इनफोर्स, किसी भी लॉ में ये प्रोविजन है कि आपका गुड्स कन्फिस्केट हो जाएगा, जब्त हो जाएगा, सीज हो जाएगा, तो उन गुड्स का क्या करेंगे, उन गुड्स को डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, सेल कर देते हैं, फर्दर सप्लाई करते हैं। तो सीज्ड और कन्फिस्केटेड गुड्स को जब गवर्नमेंट सप्लाई करेगा तो उस केस में रिसिपियंट विल बी लायबल टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ओल्ड एंड यूज्ड गुड्स, ओल्ड एंड यूज्ड गुड्स, ओल्ड और यूज्ड गुड्स है तो उसके ऊपर रिसिपिएंट को टैक्स देना है। और वेस्ट और स्क्रैप अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करता है तो रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी लायबल टू पे टैक्स अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो ये 10 गुड्स हैं, ये 10 गुड्स हैं जिनके ऊपर टैक्स पेमेंट करना है, रिसिपिएंट को, सप्लायर को कुछ भी नहीं देना है। अब आते हैं नोटिफिकेशन के ऊपर कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो नोटिफिकेशन रिगार्डिंग सर्विसेज लिया है, 10 गुड्स पे के ऊपर रिवर्स चार्ज है, ये हम लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पे सर्विसेस है, टोटल सर्विसेस हम लोग देखेंगे कितने हैं, सीरियल नंबर 15 तक है, लेकिन उसमें कुछ क्लॉज में ए बी सी भी ऐड कर दिया है, तो 16 17 सर्विसेस हैं जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है। और नोटिफिकेशन नंबर है 13/2017, यानी 13वां नोटिफिकेशन है 2017 में, जो 28 जून 2017 को इश्यू किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो अब पहला सर्विस है जीटीए सर्विस, सर्विस बाय जीटीए, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंट। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंट है ये सप्लाई देता है, तो टैक्स किसको पे करना है, जीटीए को या रिसिपिएंट ऑफ सर्विस को। रिसिपिएंट जीटीए के केस में रिसिपिएंट मे बी द कंसाइनर, मे बी द कंसाइनी। कंसाइनर और कंसाइनी दोनों में रिसिपिएंट हम किसको कहेंगे, तो रिसिपिएंट वही होगा द पर्सन हु पे पेज द फ्रेट, यानी जो फ्रेट पे करता है, यानी कंसाइनर पे करेगा तो कंसाइनर रिसिपिएंट होगा, कंसाइनी पे करेगा तो कंसाइनी रिसिपिएंट होगा। तो रिसिपिएंट मे बी द कंसाइनर, मे बी द कंसाइनी, वही देखना है कि फ्रेट कौन दे रहा है। जो फ्रेट दे रहा है दैट पर्सन शैल लाइबल टू पे टैक्स। तो यहाँ पे रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होगा, तब रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा तो जीटीए को ही टैक्स देना है। तो यहाँ पे कहा है कि टैक्स रेट को दो कैटेगरी में बांट दिया, कि अगर 5% का ऑप्शन लिया है जीटीए ने, टैक्स पेमेंट का ऑप्शन 5% का लिया है, तो इस केस में रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होगा। अगर जीटीए कहते हैं नहीं मैं 12% यानी 6% सीजीएसटी और सेफ 6% हो गया एसजीएसटी, तो टोटल 6 और 6 मिला के 12% हो गया, तो 12% जीएसटी अगर पेबल है तो यहाँ पे रिवर्स चार्ज नहीं एप्लीकेबल होगा, फिर फॉरवर्ड चार्ज एप्लीकेबल होगा। मतलब जीएसटी पेमेंट करना है जीटीए को, जीटीए को ही जीएसटी पे करना है अगर 12% का ऑप्शन लिया है तो। अगर 5% का ऑप्शन लिया है तो यहाँ पे रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होगा, प्रोवाइडेड जीटीए विल नॉट क्लेम आईटीसी। तो यहाँ पे कहता है कि जीटीए सप्लाई देता है रिसिपिएंट को,
किस रिसिपिएंट को? रिसिपिएंट इज स्पेसिफाइड रिसिपिएंट, स्पेसिफाइड रिसिपिएंट को सप्लाई देता है तभी रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होगा। अगर जीटीए स्पेसिफाइड रिसिपिएंट को सप्लाई देता है तभी रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं होगा। अब ये स्पेसिफाइड रिसिपिएंट कौन है ये हम लोग अब नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, स्पेसिफाइड रिसिपिएंट कौन है। तो अगर जीटीए 5% का ऑप्शन लिया है टैक्स पेमेंट का और टैक्स सप्लाई देता है, जीटीए सप्लाई देता है स्पेसिफाइड रेसिपिएंट को, तो रिवर्स चार्ज लगेगा। अगर स्पेसिफाइड रेसिपिएंट नहीं है, अनरजिस्टर्ड पर्सन है जीटीए, और जीटीए ने 5% टैक्स का ऑप्शन लिया है और जीटीए आईटीसी भी नहीं क्लेम करता है, तो ये सप्लाई एग्जेम्प्ट हो जाएगा, इसको माफ कर दिया जाएगा अगर अदर देन स्पेसिफाइड रिसिपिएंट है। तो सिंपल टर्म में आप अनरजिस्टर्ड सप्लायर कह सकते हो, अनरजिस्टर्ड रिसिपिएंट। और 12% का ऑप्शन लिया है, रिसिपिएंट स्पेसिफाइड रिसिपिएंट है, तो फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, यानी जीटीए को ही टैक्स देना है। अब आते हैं यहाँ पे स्पेसिफाइड रेसिपिएंट का मतलब क्या है। स्पेसिफाइड रेसिपिएंट का आप सिंपल मीनिंग ये कह सकते हो कि कोई भी पर्सन किसी भी एक्ट में रजिस्टर्ड है तो स्पेसिफाइड रेसिपिएंट होगा। कोई भी पर्सन किसी भी एक्ट में रजिस्टर्ड है तो दैट पर्सन इज नोन एज स्पेसिफाइड रेसिपिएंट। पार्टनरशिप फर्म, इसके अलावा पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड नहीं भी है तो भी स्पेसिफाइड रिसिपिएंट माना जाएगा। पार्टनरशिप फर्म के अलावा जितने भी पर्सन हैं वो किसी न किसी एक्ट में अगर रजिस्टर्ड है तो स्पेसिफाइड रिसिपिएंट कहलाएगा। जैसे पहला है फैक्ट्री रजिस्टर्ड, एनी फैक्ट्री रजिस्टर्ड अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट। अगर कोई भी फैक्ट्रीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, फैक्ट्री 1948, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में, दैट फैक्ट्री इज नोन एज स्पेसिफाइड रेसिपिएंट। सोसाइटी इज रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटी रजिस्टर्ड, अगर 60, अगर सोसाइटी रजिस्टर्ड है 1860 एक्ट में, तो ये भी स्पेसिफाइड रेसिपिएंट होगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी एस्टैब्लिश्ड अंडर एनी लॉ, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट में ही रजिस्टर्ड होगा। उसके बाद कोई भी पर्सन है जो सीजीएसटी में, आईजीएसटी में, एससीएसटी में या यूटीजीएसटी एक्ट में रजिस्टर्ड है, इसका मतलब जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो वो भी स्पेसिफाइड रेसिपिएंट कहलाएगा। बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी है तो आरओसी में तो रजिस्टर्ड होगा ही होगा, कहीं नहीं रजिस्टर्ड है कंपनी तो आरईसी में रजिस्ट्रेशन तो मैंडेटरी है। पार्टनरशिप फॉर्म चाहे रजिस्टर्ड हो या ना हो, पार्टनरशिप फर्म को स्पेसिफाइड रेसिपिएंट ही मानेंगे और नॉट अंडर एनी लॉ इंक्लूडिंग एसोसिएशन ऑफ पर्सन को भी स्पेसिफाइड रेसिपिएंट कहेंगे। और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन भी हम लोग करेंगे। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का मतलब क्या है? कैजुअली हम टैक्स दे रहे हैं, यानी एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उस पर टैक्स दे रहे हैं, तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को कैजुअली टैक्स देना है तो उसके ऊपर उसको भी स्पेसिफाइड रेसिपिएंट कहेंगे। तो ये स्पेसिफाइड रेसिपिएंट है। अब कहता है नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम लोग, नेक्स्ट स्लाइड पे कहता है नो आरसीएम ऑन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय जीटीए टू। कहता है जीटीए अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी के किसी भी डिपार्टमेंट में सप्लाई देता है, जीटीए सप्लाई देता है, जीटीए सर्विस देता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का टू एनी डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, एनी डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, एनी डिपार्टमेंट ऑफ द यूनियन टेरिटरी, और लोकल अथॉरिटी को सप्लाई देता है या गवर्नमेंटल एजेंसी को सप्लाई देता है, तो आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा। इस केस में जीएसटी की लाइबिलिटी जीटीए की होगी, जीटीए विल बी लाइबल टू पे जीएसटी।
अब यहाँ पे आप कहेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो रजिस्ट्रेशन ले लिया है जीएसटी में, लोकल अथॉरिटी ने तो रजिस्ट्रेशन ले लिया है, गवर्नमेंटल अथॉरिटी ने रजिस्ट्रेशन ले लिया है जीएसटी में, फिर रिवर्स चार्ज क्यों नहीं अप्लीकेबल हो रहा है? तो उसका रीजन है कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल अथॉरिटी, इन्होंने रजिस्ट्रेशन इसलिए लिया है कि जो भी पेमेंट ये करेंगे रिसिपिएंट को, उस पेमेंट में टीडीएस काट सके अंडर सेक्शन 51। टीडीएस काटने के लिए, टीडीएस डिडक्ट करने के लिए 51 में सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, यूनियन टेरिटरी को, लोकल अथॉरिटी को और गवर्नमेंटल एजेंसी को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। और ये सप्लाई एग्जेम्प्ट है, ये सप्लाई को ही एग्जेम्प्ट कर दिया है कि जीटीए अगर सप्लाई देता है गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट को, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, या यूनियन टेरिटरी हो, या लोकल अथॉरिटी हो, या गवर्नमेंटल अथॉरिटी हो, तो उनके सप्लाई को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। एग्जेम्पशन वाले टॉपिक में इस एग्जेम्पशन को हम लोग कंसिडर करेंगे। अब आते हैं, पहला सप्लाई तो हम लोगों ने देख लिया, पहला सप्लाई ऑफ सर्विस था जीटीए, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी सर्विसेज टू स्पेसिफाइड रिसिपिएंट, तब रिवर्स चार्ज लगेगा। सेकेंड सप्लाई पे आते हैं, सेकेंड सर्विस है हमारा लीगल सर्विस, लीगल सर्विस बाय एंड एडवोकेट। अगर एडवोकेट कोई लीगल सर्विस देता है, या एडवोकेट का फर्म कोई लीगल सर्विस देता है, या सीनियर एडवोकेट कोई लीगल सर्विस देता है, किसको? टू बिजनेस एंटिटी, टू बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। तो रिवर्स चार्ज के केस में हमें ये देखना है कि रिवर्स चार्ज में रिसिपिएंट हमेशा टैक्सेबल टेरिटरी में होना चाहिए, तभी रिवर्स चार्ज लगेगा। अगर रिसिपिएंट नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है तो आप कैसे टैक्स लगाओगे? तो इसीलिए रिवर्स चार्ज में हर एक पॉइंट में हम ये कंसिडर करेंगे कि रिसिपिएंट लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। तो लीगल सर्विस बाय एन एडवोकेट, फॉर्म ऑफ एडवोकेट और सीनियर एडवोकेट, टू बिजनेस एंटिटी, टू बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। अब यहाँ पे सीनियर एडवोकेट किसको कहेंगे? तो सीनियर एडवोकेट का मतलब है कि एडवोकेट रिकॉग्नाइज्ड बाय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट एज सीनियर एडवोकेट, यानी जिन एडवोकेट को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया है कि ये सीनियर एडवोकेट है, उनको सीनियर एडवोकेट कहेंगे। तो कोई भी एडवोकेट लीगल सर्विस देता है बिजनेस एंटिटी को, बिजनेस एंटिटी का मतलब एनी एंटिटी कैरिंग बिजनेस प्रोफेशन, सिंपल टर्म में कोई भी एंटिटी जो बिजनेस प्रोफेशन कर रहा है वो बिजनेस एंटिटी होगा। सेकेंड सर्विस, लीगल सर्विस का मतलब क्या है इसको भी डिफाइन करते हैं। लीगल सर्विस मीन्स व्हाट? तो लीगल सर्विस मीन्स सर्विस इन रिलेशन टू एडवाइस, यानी एडवाइजरी सर्विस है, कंसल्टेंसी सर्विस है और असिस्टेंस है इन एनी ब्रांच ऑफ लॉ, इंक्लूडिंग रिप्रेजेंटेशनल सर्विस बिफोर द कोर्ट, ट्रिब्यूनल और एनी अथॉरिटी। ये लीगल सर्विस है। एडवोकेट अगर सर्विस देता है, लीगल सर्विस, ओनली लीगल सर्विस मतलब एडवाइस, कंसल्टेंसी और असिस्टेंस इन एनी ब्रांच ऑफ लॉ, इंक्लूडिंग रिप्रेजेंटेशनल सर्विस बिफोर द कोर्ट, ट्रिब्यूनल और अथॉरिटी। अब थर्ड सर्विस है सर्विस बाय एन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल यानी आर्बिट्रेशन में कोई फंस जाता है, कोई लिटिगेशन, कोई डिस्प्यूट हो गया कहीं पे, तो आर्बिट्रेटर का काम होता है कि आर्बिट्रेटर मीन्स मीडिएटर, आप सिंपल कह सकते हो कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इज द मीडिएटर। दो लोगों के बीच में, दो पर्सन के बीच में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कोई डिस्प्यूट रहता है, तो आर्बिट्रेटर का काम होता है उसको रिजॉल्व करना। तो अगर कोई आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल किसी बिजनेस एंटिटी को सप्लाई देता है, सर्विस देता है, कोई भी सर्विस देता है, मेन मीडिएटर का रोल है, तो मीडिएटर का रोल निभाता है और किसी बिजनेस एंटिटी को सर्विस देता है और बिजनेस एंटिटी
टैक्सेबल टेरिटरी में है तो रिवर्स चार्ज लगेगा और जीएसटी पेमेंट करना है बिजनेस एंटिटी को। ये थर्ड सर्विस है। तो पहला जीटीए की सर्विस हम लोगों ने किया, दूसरा सर्विस था एडवोकेट की, तीसरा सर्विस हमारी आ गई आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की। अब चौथा सर्विस है स्पॉन्सरशिप सर्विसेज। कोई भी पर्सन स्पॉन्सरशिप सर्विस प्रोवाइड करता है। किसको प्रोवाइड करता है? बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फॉर्म। बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फॉर्म को कोई भी पर्सन सर्विस देता है इन रिलेशन टू द स्पॉन्सरशिप सर्विसेज। यानी कोई प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम को स्पॉन्सर करना है, कोई स्पॉन्सर मिल गया है, कोई स्पॉन्सर है कि ये स्पॉन्सर कर रहा है किसी बॉडी कॉर्पोरेट्स को सर्विस दे रहा है, कोई भी पर्सन इन रिलेशन टू द स्पॉन्सरशिप सर्विसेज, तो इसमें टैक्स पे करना है बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म को इफ लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप फर्म ये टैक्सेबल इन लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, ये सभी पॉइंट्स में हम लोग करेंगे कि रिसिपिएंट अगर टैक्सेबल टेरिटरी में है तो रिवर्स चार्ज लगेगा, अदरवाइज रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। तो कोई भी पर्सन बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म को सर्विस देता है, कौन सी सर्विस देता है? स्पॉन्सरशिप सर्विस। यानी किसी कंपनी, कोई कंपनी है पैसे किसी प्रोग्राम को स्पॉन्सर कर रहा है, या कोई कंपनी है किसी प्रोडक्ट को स्पॉन्सर कर रहा है, तो उसके लिए जो भी पर्सन उनको सर्विस देगा तो उन पर्सन को टैक्स नहीं देना है। बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म लाइबल टू पे टैक्स। ये फोर्थ सर्विस है। फिफ्थ सर्विस है सर्विसेज सप्लाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी। ये सर्विस देता है किसको? ये सर्विस देता है किसको? बिजनेस एंटिटी को लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। यानी कोई भी गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, ये सर्विस देता है किसी बिजनेस एंटिटी को जो बिजनेस एंटिटी लोकेटेड है टैक्सेबल टेरिटरी में। तो टैक्स किसको देना है? अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म बिजनेस एंटिटी को। बिजनेस एंटिटी विल बी लायबल टू पे टैक्स अंडर सीजीएसटी एक्ट। ये हमारा फिफ्थ सर्विस है। और कहता है नो आरसीएम ऑन सर्विसेज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी। कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, यूनियन टेरिटरी ये सप्लाई देता है। कौन सी सप्लाई? तो ये तीन सप्लाई हम लोग यहाँ पे करेंगे। पहला सप्लाई है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। अगर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पे देता है तो रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। सेकेंड कहता है पोस्टल सर्विसेस, पोस्टल के, पोस्ट ऑफिस के चार सर्विसेस। पहला सर्विस है पोस्ट ऑफिस का स्पीड पोस्ट, इस पे भी रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। यानी पोस्ट ऑफिस को ही टैक्स देना है, टैक्स कलेक्ट करे कस्टमर से और टैक्स पे करे। एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, एजेंसी सर्विसेज और लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज। यानी ये चार सर्विसेज पोस्ट ऑफिस का है जिस पे रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। पोस्ट ऑफिस विल बी लायबल टू पे टैक्स, पोस्ट ऑफिस को ही टैक्स देना है। स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस और एजेंसी सर्विसेज, इनको टैक्स देना। इन चार सर्विसेज पे पोस्टल अथॉरिटी विल बी लायबल टू पे टैक्स। नेक्स्ट सर्विस है सर्विस इन रिलेशन टू द एयरक्राफ्ट और व्हीकल। यानी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी ये एयरक्राफ्ट और व्हीकल से रिलेटेड सर्विस देता है तो भी रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। रेंटिंग ऑफ इमोवेबल प्रॉपर्टी, फोर पोस्टल सर्विसेज, सर्विस इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट और व्हीकल, और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। ये सर्विसेज है जिनके ऊपर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल
नहीं होगा, रिवर्स चार्ज यहाँ पे नहीं लगेगा। रेंटिंग ऑफ इमोबाइल प्रॉपर्टी फॉर पोस्टल सर्विसेज और सर्विसेज इन रिलेशन टू द एयरक्राफ्ट और व्हीकल इनसाइड और आउटसाइड द प्रिसिंक्ट ऑफ द पोर्ट और एयरपोर्ट, यानी पोर्ट और एयरपोर्ट के अंदर हो या बाहर हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एयरक्राफ्ट और व्हीकल से रिलेटेड सर्विस है तो रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा। और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, ये सर्विस भी रिवर्स चार्ज में नहीं आएगा। अब यहां पे एक सर्विस हम लोगों ने देखा है, रेंटिंग ऑफ इमोबाइल प्रॉपर्टी के ऊपर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल नहीं है। वहां पॉइंट नंबर 5 से, यानी एंट्री नंबर 5 से निकाल के एंट्री नंबर 5A पे डाल दिया, रेंटिंग ऑफ इमोबाइल प्रॉपर्टी। अभी हम लोगों ने किया पिछले स्लाइड में रेंटिंग पॉइंट इमोबाइल प्रॉपर्टी, इमोबाइल प्रॉपर्टी, इस रेंटिंग ऑफ इमोबाइल प्रॉपर्टी को यहां से शिफ्ट कर दिया है 5A में, एंट्री नंबर 5A, RCM ऑन रेंटिंग ऑफ इमोवेबल प्रॉपर्टी बाय। अब ये रेंटिंग ऑफ इमोबाइल प्रॉपर्टी कौन दे प्रोवाइड करता है, हु इज द सप्लायर, सप्लायर इज द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, किसको सप्लाई देता है, रजिस्टर्ड पर्सन को। अगर इमोवेबल प्रॉपर्टी रेंट पे दे रहा है कोई सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, तो रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होगा, ये 5A। 5B कहता है ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट, यानी आपके पास लैंड है लेकिन आपके पास कैपिटल नहीं है उसको डेवलपमेंट के लिए, तो आप इसको डेवलपमेंट का राइट किसी और को दे सकते हैं। तो आपने डेवलपमेंट राइट किसी को दिया है, या फ्लोर स्पेस इंडेक्स, ये हम लोग फ्लोर स्पेस इंडेक्स का मीनिंग समझेंगे। अभी सिंपल टर्म में ये समझ लो, फ्लोर स्पेस इंडेक्स का मतलब है कि जितने एरिया में आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, ये फ्लोर स्पेस इंडेक्स कहलाएगा। और ये कैसे निकालेंगे ये हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे। तो सर्विस प्रोवाइडर कोई भी हो, सर्विस सप्लायर कोई भी हो, एनी पर्सन, सप्लाई क्या होगा, राइट, ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट, ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट और फ्लोर स्पेस इंडेक्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए प्रोजेक्ट बाय द प्रमोटर। कोई प्रमोटर कोई प्रोजेक्ट करना चाहता है, उस प्रोजेक्ट के लिए डेवलपमेंट राइट किसी को दिया है या फ्लोर स्पेस इंडेक्स किसी को दिया है, तो इस केस में टैक्स पे करना है प्रमोटर्स को, प्रमोटर शैल बी लाइबल टू पे टैक्स। सर्विस प्रोवाइडर सप्लायर को टैक्स नहीं देना है, सप्लायर विल नॉट बी लाइबल टू पे टैक्स, टैक्स इन ए प्रमोटर विल बी लाइबल टू पे टैक्स अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई, सप्लाई टूवर्ड्स ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट और फ्लोर स्पेस इंडेक्स। अब फ्लोर स्पेस इंडेक्स का क्या मतलब है, और इसको दूसरे टर्म में हम फ्लोर एरिया रेशियो भी कहते हैं, फ्लोर एरिया रेशियो भी कहते हैं। तो फ्लोर स्पेस इंडेक्स का मतलब है द मैक्सिमम परमिसिबल फ्लोर एरिया दैट ए बिल्डर कैन बिल्ड ऑन ए पर्टिकुलर प्लॉट ऑफ लैंड, यानी एक पर्टिकुलर प्लॉट ऑफ लैंड पे बिल्डर जितना एरिया बिल्ड कर सकता है, ये फ्लोर स्पेस इंडेक्स है या फ्लोर एरिया रेशियो है। फ्लोर स्पेस इंडेक्स आप कैसे निकालेंगे, इक्वल टू टोटल कवर्ड एरिया ऑन ऑल फ्लोर्स, हर एक फ्लोर पे टोटल कवर्ड एरिया कितना है, डिवाइडेड बाय ग्रॉस प्लॉट एरिया, उस प्लॉट के ग्रॉस एरिया कितना है। तो टोटल कवर्ड एरिया ऑन ऑल फ्लोर्स डिवाइडेड बाय ग्रॉस प्लॉट प्लॉट एरिया, ये हमारा FSI है, फ्लोर स्पेस इंडेक्स, और आप कह सकते हो फ्लोर एरिया रेशियो। अब 5C पे आते हैं, लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड,
यानी प्रमोटर्स क्या करता है, कोई लॉन्ग टर्म प्रमोटर्स को कंस्ट्रक्शन करना है, कंस्ट्रक्शन करेगा तो कंस्ट्रक्शन के लिए लैंड चाहिए, लैंड प्रमोटर्स के पास नहीं है तो लैंड तो किसी से लेगा, तो जो लैंड देगा प्रमोटर्स को फॉर लॉन्ग टर्म लीज, यानी प्रमोटर्स लैंड लेगा लॉन्ग टर्म लीज पे, किससे लेगा, जिसका लैंड है, लैंड ऑनर, एनी सर्विस बाय एनी पर्सन, मतलब सर्विस बाय एनी पर्सन बाय वे ऑफ लॉन्ग टर्म लीज, यानी लैंड ऑनर लीज पे देता है प्रमोटर्स को अपना लैंड, और लैंड लीज पे देता है, लॉन्ग टर्म लीज का मतलब है 30 ईयर्स और एबव, 30 साल या उससे ज्यादा पीरियड के लिए लीज पे दिया है तो ये लॉन्ग टर्म लीज है, और लॉन्ग टर्म लीज पे दिया है अगेंस्ट कंसिडरेशन, कंसिडरेशन का नाम आप कुछ भी कह लो, प्रीमियम कह लो, सलामी कह लो, कॉस्ट कह लो, प्राइस कह लो, डेवलपमेंट चार्ज कह लो, जो भी कह लो, और रेंटल जो आ जाएगा, एनुअली रेंटल जाए या मंथली रेंटल जाए, वो कौन करता है, डिपेंड करता है कि सम अमाउंट, लमसम अमाउंट दे दिया और मंथली या हाफ ईयरली या हाफ ईयरली या ईयरली रेंट आप देते हैं, तो दोनों अमाउंट के ऊपर जीएसटी कौन पे करेगा, तो प्रमोटर शैल बी लाइबल टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, प्रमोटर को पे करना है ना कि लैंड ऑनर को, प्रमोटर क्योंकि एरिया डेवलपमेंट के लिए वो लीज पे लिया है, जो लीज अमाउंट होगा लमसम अमाउंट और मंथली और क्वार्टरली हाफ ईयरली और जो एनुअल रेंट है, एनुअल रेंट पीरियोडिक रेंट आप कह सकते हो, उसके ऊपर जीएसटी देगा प्रमोटर। अब यहाँ पे सप्लाई एक्सप्लेनेशन है, सप्लाई ऑफ टीडीआर ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट, एफएसआई फ्लोर स्पेस इंडेक्स और लॉन्ग टर्म लीज, तो सप्लाई ऑफ ये एग्जम्पशन है, एग्जम्पशन कि हम ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट, फ्लोर स्पेस इंडेक्स और लॉन्ग टर्म लीज पे हम कोई टैक्स नहीं लगाएंगे, कोई जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन कंडीशन है कि जितने फ्लैट आप बनाएंगे सारे के सारे फ्लैट बिफोर इश्यूएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट बिक जाना चाहिए, अगर नहीं बिका तो फिर उस पे डेवलपमेंट राइट पे ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट, एफएसआई और लॉन्ग टर्म लीज तीनों पे जीएसटी लग जाएगा। लेकिन आप कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन सर्टिफिकेट से पहले जितने भी फ्लैट आपका बना है देते हो, यानी बेच देते हो, यानी कंस्ट्रक्शन से पहले बेच देते हो, बिल्डर है कोई फ्लैट बनाने से पहले बेच देता है, यानी कंस्ट्रक्शन से पहले बेच देता है, तो उस पे जीएसटी बिल्डर कलेक्ट करेगा कस्टमर से और गवर्नमेंट को देगा, तो जब बिल्डर कस्टमर से कलेक्ट कर ही रहा है तो डेवलपमेंट राइट पे और एफएसआई पे लॉन्ग टर्म लीज पे माफ कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कहा इन पे हम टैक्स लगाएंगे, दो दो बार टैक्स हो गया, एक बार आप डेवलपमेंट राइट पे टैक्स दे रहे हो, एफएसआई पे टैक्स दे रहे हो, लॉन्ग टर्म लीज पे टैक्स दे रहे हो, और जब आप फ्लैट सेल करोगे तो कस्टमर से कलेक्ट कर रहे हो, तो इसीलिए कहा अगर आपने कंप्लीशन सर्टिफिकेट से पहले सारे फ्लैट बेच देते हो कस्टमर को, तो उस केस में ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, फ्लोर स्पेस इंडेक्स पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, लॉन्ग टर्म लीज पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन कंप्लीशन के बाद बेचेंगे फ्लैट तो सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी होगा, तो हम कस्टमर से तो टैक्स ले नहीं पाएंगे, इसीलिए इन पे टैक्स लग जाएगा। तो यहाँ पे विड्रॉल में आते हैं, विड्रॉल ऑफ एग्जम्पशन, आपने एग्जम्पशन लिया है, इस एग्जम्पशन को हम विड्रॉ कर लेंगे, कब विड्रॉ करेंगे, अगर आप सारे के सारे फ्लैट्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट से पहले सेल नहीं किया, तो ये कहता है एग्जम्पशन ऑफ टीडीआर एफएसआई लॉन्ग टर्म लीज इज विड्रॉन इन केस ऑफ फ्लैट सोल्ड आफ्टर इश्यूएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट, यानी कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद आप फ्लैट सेल करेंगे, तो इसका मतलब दिस इज द सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, हम फ्लैट के सेल पे कोई टैक्स नहीं लगाएंगे क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी जीएसटी में कवर्ड ही नहीं है, जीएसटी गुड्स और सर्विसेज के ऊपर लगता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी इज नॉट ए गुड्स।
तो यहाँ पे टीडीआर, एफएसआई और लॉन्ग टर्म लीज पे टैक्स लगा देंगे, लेकिन किस वैल्यू पे लगाएंगे? तो यहाँ बट विड्रॉन शैल बी लिमिटेड टू, अगर अफोर्डेबल हाउसेस है परसेंट ऑफ द वैल्यू, परसेंट ऑफ द वैल्यू यानी जो वैल्यू है घर का, जो वैल्यू है उसका 1%, और अदर देन अफोर्डेबल हाउसेस है तो जो वैल्यू है उसका 5%, ये विड्रॉ कर देंगे और इस पे टैक्स लगेगा अंडर आरसीएम, भी प्रोमोटर्स को, बिल्डर को ही टैक्स देना है। नेक्स्ट पॉइंट है सर्विसेज बाय डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी। कंपनी के डायरेक्टर, कंपनी के कोई भी डायरेक्टर हो या कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो, कोई भी डायरेक्टर कंपनी के या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये सर्विस देता है किसको? उसी कंपनी को जिस कंपनी में डायरेक्टर है, जिस कंपनी में वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है उसी कंपनी को सर्विस देता है, कोई भी सर्विस देता है, और कंपनी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, और कंपनी टैक्सेबल टेरिटरी में है, और उस सर्विस के बदला पेमेंट लेता है अदर देन सैलरी। सैलरी क्योंकि सैलरी नेगेटिव लिस्ट में कवर्ड है, सैलरी पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा बिकॉज सैलरी कवर्ड इन शेड्यूल थर्ड। शेड्यूल थर्ड में, शेड्यूल थर्ड हमारा नेगेटिव लिस्ट है, नॉन टैक्सेबल सप्लाई है, तो शेड्यूल थर्ड में जो आइटम है उस पे तो हम जीएसटी नहीं लगाएंगे, शेड्यूल थर्ड के में सैलरी कवर्ड है। इम्प्लॉयज, इम्प्लॉयर से जो भी रिसीव करता है फॉर हिज एम्प्लॉयमेंट, दिस इज सैलरी, तो सैलरी पे जीएसटी नहीं लगेगा। तो डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंपनी से जो भी कंसिडरेशन लेता है अदर देन सैलरी, तो ये इसके ऊपर रिवर्स चार्ज लगेगा और कंपनी विल बी लाइबल टू पे टैक्स। अब सर्विस सप्लाइड बाय एन इंश्योरेंस एजेंट, सातवें पॉइंट पे आए हैं। इंश्योरेंस एजेंट, किसी इंश्योरेंस, कोई भी पर्सन कैरिंग इंश्योरेंस बिजनेस, यानी कोई भी पर्सन इंश्योरेंस बिजनेस करता है उसको इंश्योरेंस एजेंट सर्विस देता है। अगर कोई इंश्योरेंस एजेंट किसी भी पर्सन को जो इंश्योरेंस बिजनेस करता है उसको सप्लाई देता है, तो टैक्स कौन पे करेगा, जीएसटी कौन पे करेगा? द पर्सन हु इज रिसीविंग द सर्विस फ्रॉम द एजेंट, एजेंट से जो सर्विस रिसीव करेगा उसको टैक्स देना है, एंड लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, यानी रिसिपिएंट मस्ट बी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। नंबर एट है सर्विसेज सप्लाइड बाय ए रिकवरी एजेंट। रिकवरी एजेंट बैंक को सर्विस देता है या फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनबीएफसी को सर्विस देता है, कोई भी रिकवरी एजेंट, बैंक का बैड डेट्स है, लोन है, बैंक का लोन है वो रिकवर नहीं हो रहा है, तो बैंक क्या करता है, अपने जो बैंक का लोन है और बैंक का लोन रिकवर नहीं हो रहा है, तो रिकवरी एजेंट को बैंक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देता है कि आप लोन रिकवरी रिकवर करिए, आपको हम कमीशन देंगे। तो रिकवरी एजेंट किसको सर्विस देता है? बैंक्स को, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन को और एनबीएफसी को, तो नॉन बैंक फिनेंशियल कंपनी को। अगर बैंक्स, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, तो टैक्स कौन देगा? बैंकिंग कंपनी देगा, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन देगा, एनबीएफसी देगा। तो ये पॉइंट नंबर एट है। पॉइंट नंबर नाइन, कॉपीराइट सर्विसेज बाय एंड म्यूजिक कंपोजर, कंपोजर म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर और कोई आर्टिस्ट, ये सप्लाई देता है किसको देता है? म्यूजिक कंपनी को, प्रोड्यूसर को और लाइक पर्सन को, लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। क्या सप्लाई देता है, सर्विस क्या है? बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ कॉपीराइट और परमिटिंग, या कॉपीराइट हम ट्रांसफर कर देते हैं या हमारे कॉपीराइट यूज करने का परमिशन दे देते हैं। कौन से कॉपीराइट आपके पास है? रिगार्डिंग ओरिजिनल ड्रामेटिक म्यूजिकल और आर्टिस्टिक वर्क, यानी हमारे पास कॉपीराइट किसका है? ओरिजिनल ड्रामेटिक
यानी जो ड्रामा हमने बनाया है, या म्यूजिक जो बनाया है, या जो आर्टिस्टिक वर्क किया है, इसका कॉपीराइट हमारे पास है। हम ये कॉपीराइट किसको दे रहे हैं? म्यूजिक कंपोजर को, प्रोड्यूसर को और लाइक पर्सन को। तो यहाँ पे जीएसटी कौन पे करेगा? म्यूजिक कंपनी। प्रोड्यूसर को टैक्स पे करना है, यानी कंपोजर को कोई टैक्स नहीं देना है, फोटोग्राफर को कोई टैक्स नहीं देना, आर्टिस्ट को कोई टैक्स नहीं देना। 9A, एंट्री नंबर 9A। 9A कहता है कॉपीराइट सर्विस बाय ऑथर। एक ऑथर, ऑथर का अपना बुक्स है, बुक्स लिखता है ऑथर, तो उस बुक्स का कॉपीराइट करवा लेता है। कॉपीराइट हो गया बुक्स का, तो कॉपीराइट को हम ट्रांसफर कर सकते हैं, या कॉपीराइट यूज करने का किसी को परमिशन दे सकते हैं। तो ये कहता है कोई ऑथर ये परमिशन किसको देगा? पब्लिशर्स को देगा। पब्लिशर्स को देता, पब्लिशर्स टैक्सेबल टेरिटरी में है, तो टैक्स पे करेगा पब्लिशर। ऑथर को कोई टैक्स नहीं देना है। ऑथर की कॉपीराइट किस पे है? ओरिजिनल लिटरेरी वर्क्स, जो वो लिटरेरी वर्क्स किया है, जो ओरिजिनल है, ऑथर का है, कॉपीराइट उसके पास है, तो फिर ये कॉपीराइट पब्लिशर को देगा, तो पब्लिशर विल बी लायबल टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अब ऑथर को एक और ऑप्शन दिया है कि ऑथर चाहे तो यहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज पे आ सकता है। ऑथर की मर्जी है, ऑथर आना चाहे तो फॉरवर्ड चार्ज में आ सकता है, रिवर्स चार्ज से हटके, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले सकता है। उसके लिए इनको क्या करना है? ऑथर को रजिस्ट्रेशन लेना है जीएसटी में, एक डिक्लेरेशन देना है प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में, और एक साल के लिए, कम से कम एक साल के लिए उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। एक साल तक ये ऑप्शन चेंज नहीं करेगा, और हर एक इनवॉइस के ऊपर, जो इनवॉइस पब्लिशर्स को इश्यू करेगा, उस इनवॉइस पे ये डिक्लेरेशन होना चाहिए कि टैक्स पेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज। तो ये है कि ऑथर के लिए, कि ऑथर चाहे तो फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स दे सकता है। तो फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स देना है ऑथर को, तो ऑथर को करना क्या है? रजिस्ट्रेशन लेना है, डिक्लेरेशन देना है एक प्रेस्क्राइब फॉर्म में, और नेक्स्ट कहता है कि एक बार आपने ऑप्शन ले लिया, तो एक साल तक ये ऑप्शन चेंज नहीं करोगे फ्रॉम द डेट व्हेन इट इज एक्सरसाइज्ड। और इनवॉइस जब इशू करोगे, तो इनवॉइस पे ये डिक्लेरेशन होना चाहिए कि टैक्स पेबल बाय ऑथर। तो ये ऑप्शन दिया है ऑथर को। नेक्स्ट नेक्स्ट एंट्री है एंट्री नंबर 10। एंट्री नंबर 10 कहता है सर्विसेज बाय मेंबर ऑफ ओवरसीइंग कमिटी टू आरबीआई। कमिटी बनाया है आरबीआई, बैंक्स के एसोसिएशंस, बैंकिंग एसोसिएशन, इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन और आरबीआई, ये दोनों मिलकर के एक कमेटी तैयार की है, जिस कमेटी का नाम है ओवरसीइंग कमेटी। ओवरसीइंग का मतलब एडवाइजरी कमेटी, यानी इन कमेटी का काम है बैंक्स को, आरबीआई को एडवाइस देना। ओवरसीइंग कमेटी आरबीआई को सप्लाई देता है, तो यहाँ रिवर्स चार्ज लगेगा। जीएसटी पे कौन करेगा? आरबीआई पे करेगा। अगर ओवरसीइंग कमेटी आरबीआई को सर्विस देता है, देन आरबीआई विल बी लायबल टू पे टैक्स। ओवरसीइंग कमेटी क्या है? तो ओवरसीइंग कमेटी का मतलब है दैट कमेटी इज कंस्टिट्यूटेड बाय इंडियन बैंक्स एसोसिएशन इन कंसल्टेशन विद आरबीआई, यानी आरबीआई से कंसल्ट करके इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन ये कमेटी बनाती है, ओवरसीइंग कमेटी। ओवरसीइंग कमेटी का रोल क्या है? रिजोल्यूशन प्लान, यानी लैंड हमारा लोन है, लोन हमारा काफी एनपीए हो रहा है, तो उसके लिए हमें एक सजेशन चाहिए, हमें करना क्या है, क्या स्टेप लेना है, ये उसके लिए रिजोल्यूशन कमेटी है। रिजोल्यूशन कमेटी एक बैंक्स बैंकिंग एसोसिएशन एक रिजोल्यूशन प्लान देता है ओवरसीइंग कमेटी को। ओवरसीइंग उस प्लान को प्रोसेस करने में उसको रिव्यू करता है, और रिव्यू करके उसको इम्प्लीमेंट करता है, और
एक एडवाइजरी बॉडी है, यानी ओवरसीइंग कमिटी को आप सिंपल टर्म में कह सकते हो, इट इज एडवाइजरी बॉडी ऑफ बैंक्स और आरबीआई। एंट्री नंबर 11, 11 नंबर एंट्री है, जो कहता है सर्विसेज बाय इंडिविजुअल डीएसए डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। डायरेक्ट सेलिंग एजेंट अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फॉर्म, यानी कोई डायरेक्ट सेलिंग एजेंट है जो कंपनी नहीं है और पार्टनरशिप फॉर्म नहीं है और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप भी नहीं है। कोई भी सेलिंग एजेंट जो कंपनी नहीं है, पार्टनरशिप फॉर्म नहीं है, एलएलपी नहीं है, ये सर्विस देता है किसको? किसी बैंकिंग कंपनी को या किसी एनबीएफसी को। और ये बैंक्स और एनबीएफसी कहाँ पे लोकेटेड है? टैक्सेबल टेरिटरी में। कहाँ लोकेटेड है? टैक्सेबल टेरिटरी में। तो इस केस में डीएसए को टैक्स नहीं देना है, टैक्स कौन पे करेगा? बैंक्स, बैंकिंग कंपनी। और बैंकिंग कंपनी और एनबीएफसी इज लाइबल टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अब एंट्री नंबर 12 पे आते हैं। एंट्री नंबर 12 कहता है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बिजनेस फैसिलिटेटर टू द बैंकिंग कंपनी। अगर कोई बिजनेस फैसिलिटेटर है और बिजनेस फैसिलिटेटर किसी बैंकिंग कंपनी को सप्लाई देता है, तो यहाँ पे टैक्स बैंकिंग कंपनी को देना है इफ सच बैंकिंग कंपनी इज लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। बिजनेस फैसिलिटेटर है कि बैंकिंग कंपनी को फैसिलिटेट प्रोवाइड करना, बैंकिंग कंपनी को कोई फैसिलिटेट करता है, सपोर्ट देता है, बैंकिंग कंपनी को कोई सपोर्ट देता है, वो बिजनेस फैसिलिटेटर कहलाता है। और एंट्री नंबर 13 है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एजेंट ऑफ बैंक बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट टू द बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट। एक बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट दूसरे बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट को सप्लाई देता है, सर्विस देता है। और तो इस केस में रिसिपिएंट बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट विल बी लायबल टू पे टैक्स, और रिसिपिएंट टैक्सेबल टेरिटरी में है। तो बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट का मतलब क्या है? बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट आर बैंक रिप्रेजेंटेटिव। बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट को बैंक का एक रिप्रेजेंटेटिव माना है। बिजनेस फैसिलिटेटर बैंक का रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता है, बैंक को काम करने में सपोर्ट करता है, लेकिन बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट है ये बैंक के बिहाफ पे कोई भी ट्रांजेक्शन कर, एक्सेप्ट एक्सेप्ट ट्रांजेक्शन इन कैश। कैश में ट्रांजेक्शन छोड़ करके कोई भी ट्रांजेक्शन बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट कर सकता है। बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट्स आर बैंक रिप्रेजेंटेटिव, दे हेल्प विलेजर्स टू ओपन बैंक अकाउंट। यानी बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट विलेजर्स को बैंक अकाउंट ओपन करने में हेल्प करता है। वो अपना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यानी मोबाइल डिवाइस लेके जाता है और आप जहां पे हो वहीं पे खोलेगा खोलेगा, या आपको लोन चाहिए तो आपका लोन एप्लीकेशन वहीं पे आपका ले करके और फिर बैंक से प्रोसेस करवाएगा। ये कॉरेस्पोंडेंट का काम है कि लोगों का अकाउंट खुलवाना, लोगों का लोन प्रोसेस करवाना, ये फैसिलिटेटर का काम है, ये कॉरेस्पोंडेंट का काम है, बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट। एंट्री नंबर 14, सिक्योरिटी सर्विसेज बाय वे ऑफ सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल टू द रजिस्टर्ड पर्सन। अगर कोई भी सिक्योरिटी सप्लायर है, सिक्योरिटी का मतलब सप्लाई ऑफ मैन पावर, सप्लाई ऑफ मैन पावर यानी कोई सिक्योरिटी सर्विस देता है बाय वे ऑफ सप्लाई ऑफ मैन पावर, तो मैन पावर आप सप्लाई, बॉडी आप बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, यानी सप्लायर इज अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, ये किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करता है और रजिस्टर्ड पर्सन इज लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, देन टैक्स विल बी लायबल टू, ये टैक्स विल बी पेड बाय द रजिस्टर्ड रेसिपियंट इन टैक्सेबल टेरिटरी। ये सिक्योरिटी के सर्विस के केस में है। कंपनी के अलावा कंपनी अगर सिक्योरिटी सर्विस दे रही है तो यहाँ रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन कंपनी के अलावा कोई भी पर्सन
रजिस्टर्ड पर्सन को सिक्योरिटी सर्विस देता है बाय वे ऑफ सप्लाई ऑफ पर्सोनेल, सिक्योरिटी पर्सोनेल, तो यहाँ रिवर्स चार्ज लगेगा। इंटेंडेड एंट्री नंबर 14 शैल अप्लाई, कहता है कि सिक्योरिटी सर्विस का में रिवर्स चार्ज का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा अगर ये सिक्योरिटी सर्विस किसी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के या गवर्नमेंट के इस्टेब्लिशमेंट को, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या स्टेट गवर्नमेंट का हो या यूनियन टेरिटरी का हो या लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंटल अथॉरिटी का हो, तो इसके ऊपर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा। यानी गवर्नमेंट को जो सिक्योरिटी सप्लाई देगा, सिक्योरिटी पर्सोनल सप्लाई देगा, यानी फॉरवर्ड चार्ज इस केस में लगेगा, क्योंकि गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट का पोस्ट, लोकल अथॉरिटी और गवर्नमेंटल एजेंसी, इनका रजिस्ट्रेशन है सिर्फ टीडीएस काटना, टीडीएस डिडक्ट करना अंडर सेक्शन 51 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। सीजीएसटी एक्ट में कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंटल एजेंसी किसी भी कॉन्ट्रैक्टर से कोई सर्विस लेता है जिसकी वैल्यू 2.5 लाख से ज्यादा है तो वहां टीडीएस डिडक्ट करना है। ये हम लोग सेक्शन 51 करेंगे। और ये रजिस्टर्ड पर्सन पेइंग टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम, अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन जिसको आप सप्लाई दे रहे हो वो कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड है, तो कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड है तो फिर उनसे तो हम टैक्स लेंगे नहीं, आपसे टैक्स ले लेंगे, क्योंकि कंपोजिशन सप्लायर को एक फिक्स अमाउंट देना होता है टैक्स का, तो इसीलिए कंपोजिशन सप्लायर से हम टैक्स नहीं लेंगे, रिवर्स चार्ज में रिसिपिएंट को टैक्स, सप्लायर को टैक्स देना पड़ेगा। तो ये केसेस है, इन केस में सिक्योरिटी पर्सोनल सप्लायर को टैक्स देना पड़ेगा, रिसिपिएंट को टैक्स नहीं देना है। और इंट्री नंबर 15, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, मतलब मोटर व्हीकल हम रेंट पे देते हैं टूवर्ड्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, पैसेंजर के लिए मोटर व्हीकल रेंट पे देते हैं फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, तो इस केस में इंक्लूडिंग फ्यूल जो रेंट हमारा होगा, दैट रेंट इज इंक्लूडिंग फ्यूल चार्जेस बाय द पर्सन अदर देन द बॉडी कॉर्पोरेट टू द बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब कि सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है लेकिन रिसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट है। एंट्री नंबर 15 कहता है सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है लेकिन रिसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट है तो रिवर्स चार्ज लगेगा। और रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी द पैसेंजर्स वेयर द कॉस्ट ऑफ फुल इज इंक्लूडेड इन द कंसिडरेशन, फ्यूल, फ्यूल का कॉस्ट रेंट में इंक्लूडेड है और सप्लायर अदर देन कंपनी है, रिसिपिएंट कंपनी है, और ये ऑप्शन लिया है कि कंपनी जो सप्लायर है, सप्लायर अदर देन कंपनी है, वो डज नॉट इशू इनवॉइस चार्जिंग 6% सीजीएसटी और 6% एसजीएसटी, यानी 6% हम सीजीएसटी चार्ज नहीं करेंगे, 6% एसजीएसटी चार्ज नहीं करेंगे, तो उस केस में रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होगा। अगर सप्लायर 6% सीजीएसटी और 6% एसजीएसटी चार्ज करेगा तो रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। तो यहाँ पे सप्लायर अदर देन कंपनी है, सप्लायर कोई भी है अदर देन कंपनी, रिसिपिएंट कंपनी है तो रिवर्स चार्ज लगाएंगे। अब एक एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं, इसमें एक्सप्लेनेशन क्या है। पर्सन लाइबल टू पे टैक्स अंडर रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल, तो यहाँ पे 12% का टैक्स देंगे, 12% मतलब 6% सीजीएसटी और 6% एसजीएसटी, तो फिर फॉरवर्ड चार्ज में चला जाएगा। और अगर ये ऑप्शन लेता है कि हम 12% नहीं 5% टैक्स देंगे और आईटीसी नहीं लेंगे, तो उस केस में सप्लायर अगर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, रिसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट है, तो आरसीएम लगेगा। सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है, रिसिपिएंट अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, तो फिर फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। यानी सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, रिसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट, तो रिवर्स चार्ज, सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, रिसिपिएंट भी अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है तो रिवर्स फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, और सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है तब तो फॉरवर्ड चार्ज ही लगेगा। तो ये एक
आपका डायग्राम है, इससे आप समझ सकते हैं। एंट्री नंबर 16, ये लास्ट एंट्री है हमारा, टोटल 16 ये लास्ट एंट्री है सर्विस से रिलेटेड। एंट्री नंबर 16 कहता है सर्विस ऑफ लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज अंडर सिक्योरिटीज लेंडिंग स्कीम, यानी अनसिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम में आप सिक्योरिटी लेंड करते हैं ऑफ सेवी एज अमेंडेड। तो लेंडर दैट इज ए पर्सन हु डिपॉजिट्स सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटी उस लेंडर के, दैट इज लेंडर दैट इज ए पर्सन हु डिपॉजिट सिक्योरिटीज रजिस्टर्ड इन हिज नेम और इन द नेम ऑफ एनी पर्सन ऑथराइज ऑन हिज बिहाफ विद एन अप्रूवल अप्रूव्ड इंटरमीडियरी फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग अंडर स्कीम ऑफ सेबी। सेबी के स्कीम में अगर आप लेंडिंग यानी फाइनेंस करना चाहते हो, देन यू हैव टू डिपॉजिट सिक्योरिटीज विद द सेबी। तो सेबी के पास सिक्योरिटी जमा करेंगे तो इस केस में रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होगा, यानी बोरोअर दैट इज अ पर्सन हु बोरोज द सिक्योरिटीज अंडर द स्कीम थ्रू द अप्रूव्ड इंटरमीडियरी ऑफ सेबी। सेबी सेबी किसको सर्विस देता है? लेंडर्स को। लेंडर्स की सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है सेबी के पास, सेबी सर्विस देता है लेंडर्स को। लेंडर विल बी लायबल टू पे टैक्स अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म सर्विस बाय वे ऑफ लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज अंडर द सिक्योरिटीज लेंडिंग स्कीम 1997। नोटिफिकेशन, अब हमारा सीजीएसटी एक्ट का नोटिफिकेशन कंप्लीट हो गया। नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 28/6/2017 को आया था, वो कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं नोटिफिकेशन आईजीएसटी का, आईजीएसटी एक्ट का नोटिफिकेशन है नोटिफिकेशन नंबर 10, नोटिफिकेशन नंबर 10/2017 और इसका भी डेट वही है 28 जून 2017 को आया था। ये कहता है नोटिफिकेशन में कि जो एबव यानी सीजीएसटी एक्ट में जो रिवर्स चार्ज हम लोगों ने पढ़ा है, ये सेम आईजीएसटी में कंटिन्यू रहेगा। आईजीएसटी यानी सीजीएसटी हम पे कर रहे थे, एसजीएसटी पे कर रहे थे, उसकी जगह आईजीएसटी पे करेगा। रिसिपिएंट विल बी लायबल टू पे आईजीएसटी, यानी सारे कंटिन्यू किया है। इसके अलावा दो और सप्लाई को यहां इंक्लूड कर दिया है। पहला सप्लाई है सर्विस बाय ए पर्सन हु इज लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, यानी कोई पर्सन है जो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है और सर्विस देता है किसको? सर्विस देता है पर्सन अदर देन नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट, यानी किसी भी पर्सन को सप्लाई देता है लेकिन रेसिपिएंट नॉन टैक्सेबल रेसिपिएंट नहीं है, यानी कोई भी पर्सन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से टैक्सेबल टेरिटरी में सर्विस देता है, कोई भी पर्सन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से टैक्सेबल टेरिटरी में सप्लाई देता है, किसको देता है सप्लाई? अदर देन नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट। नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट किसको कहेंगे, ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड। नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में कोई सप्लाई देता है तो यहाँ रिवर्स चार्ज लगेगा अगर रेसिपिएंट नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट के अलावा कोई और है तो, क्योंकि ये तो नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट है तो नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट के केस में तो टैक्स लगेगा नहीं, तो इसीलिए इसके अलावा कोई भी पर्सन टैक्सेबल टेरिटरी में है नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से सप्लाई लेता है तो रेसिपिएंट विल बी लायबल टू पे टैक्स। और नॉन रेजिडेंट ऑनलाइन रेसिपिएंट का मतलब क्या है ये हम लोग समझते हैं। गवर्नमेंट, एनी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या यूनियन टेरिटरी हो, लोकल अथॉरिटी हो, गवर्नमेंटल अथॉरिटी, इंडिविजुअल कोई और अदर देन इंडिविजुअल हु इज नॉट रजिस्टर्ड इन जीएसटी,
यानी कोई जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, मतलब गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल अथॉरिटी, इंडिविजुअल और एनी अदर पर्सन हु इज नॉट रजिस्टर्ड इन जीएसटी, ये सर्विस लेता है। कौन सी सर्विस? ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डाटाबेस एक्सेस और रिट्राइवल सर्विस ये रिसीव करता है फॉर द पर्पस अदर देन द बिजनेस पर्पस, यानी बिजनेस पर्पस नहीं, यानी पर्सनल पर्पस के लिए, बिजनेस नहीं करना है, हम सर्विस अपने लिए ले रहे हैं, हमें आगे और बिजनेस में नहीं देना है, और ये लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी है, तो इनको हम नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट कहेंगे। ये नॉन रेजिडेंट नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट में कौन कौन है? गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल अथॉरिटी, इंडिविजुअल अदर देन इंडिविजुअल हु इज नॉट रजिस्टर्ड इन जीएसटी, यानी जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। और ये कौन सी सर्विस लेता है? ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डाटाबेस एक्सेस और रिट्राइवल सर्विस लेता है इन रिलेशन टू एनी पर्पस अदर इंडस्ट्री इंडस्ट्री अदर और एनी अदर बिजनेस और प्रोफेशन लोकेटेड इन टैक्सेबल। अब ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डाटाबेस एक्सेस और रिट्राइवल सर्विस किसको कहेंगे? यानी कोई भी सर्विस जो आईटी प्लेटफॉर्म इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आप दे रहे हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बिना ये सर्विस पॉसिबल ही नहीं है, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू आप सर्विस प्रोवाइड करते हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बिना ये सर्विस हम दे ही नहीं सकते, जहां ह्यूमेन इंटरवेंशन बहुत कम होता है, बहुत कम ह्यूमेन इंटरवेंशन होता है, मतलब कंप्लीटली आईटी बेस्ड सर्विस है। और इस कौन कौन सी सर्विस है ये दिया है, इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज सच एज, क्या है? एडवर्टाइजिंग, एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट ऑन इंटरनेट, इंटरनेट में जो एडवर्टीजमेंट आप देखते हो, कोई साइट खोलते हो उस पर एडवर्टीजमेंट चलते रहता है, ये है ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डाटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज। प्रोवाइडिंग क्लाउड सर्विसेज, क्लाउड सर्विसेज, एक क्लाउड में डाटाबेस होता है, अगर आप क्लाउड में स्पेस लेना चाहते हो तो क्लाउड में आपका एक डाटाबेस रहेगा और आपका क्लाउड स्पेस मेंटेन करता है, तो जो क्लाउड स्पेस मेंटेन करता है उनसे आपको ये क्लाउड में स्पेस लेना पड़ेगा। प्रोविजन ऑफ ई बुक, मूवी, म्यूजिक, सॉफ्टवेयर एंड अदर इंटेंजिबल्स थ्रू टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स और इंटरनेट, प्रोवाइडिंग डाटा और इंफॉर्मेशन रिट्राइवेबल और अदरवाइज टू एनी पर्सन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म थ्रू ए कंप्यूटर नेटवर्क, ऑनलाइन सप्लाईज ऑफ डिजिटल कंटेंट, मूवीज, टेलीविजन शोज, म्यूजिक एंड लाइक्स, डिजिटल डाटा स्टोरेज एंड ऑनलाइन गेमिंग, मतलब कि ऑनलाइन सारा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आप जो सप्लाई ऑनलाइन दे रहे हो ये सब कवर्ड है ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डाटाबेस एक्सेस और ट्राइबल सर्विसेज। और ये सेकेंड सर्विस है आईजीएसटी एक्ट का, आईजीएसटी एक्ट में सीजीएसटी एक्ट जितने भी हम लोगों ने सप्लाई किया है वो तो एप्लीकेबल है ही है, उसके अलावा ये दो एक्स्ट्रा दिया है कि नॉन टैक्सेबल से टैक्सेबल टेरिटरी में हम सप्लाई देते हैं किसको? अदर देन नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट, तब रिवर्स चार्ज लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय पर्सन लोकेटेड इन, यानी नॉन टैक्स गुड्स टेरिटरी से गुड्स ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दे किसको देता है, मतलब हमारा गुड्स फॉरेन कंट्री से इंडिया में आ रहा है, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से हमारा गुड्स इंडिया में पहुंच रहा है, टैक्सेबल टेरिटरी में पहुंच रहा है, तो जो फ्रेट है फ्रेट पे टैक्स कौन देगा? जो रिसिपिएंट है उस सर्विस का रिसिपिएंट है, यानी इंपोर्टर लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, देन इंपोर्टर शैल बी लायबल टू पे टैक्स। जनरली क्या करते हैं, जो एसएसए हैं जो निकालते हैं, तो एसएसएल वैल्यू में
जो उसका ट्रांजेक्शन वैल्यू है, ट्रांजेक्शन वैल्यू में इंश्योरेंस और ट्रांसपोर्टेशन सब ऐड कर देते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है, फिर उस पर कस्टम ड्यूटी निकालते हैं, फिर आईजीएसटी निकालते हैं। तो यहाँ कहता है कि अगर उसमें ऐड नहीं हुआ है तो जो ट्रांसपोर्टेशन है उस पे रिवर्स चार्ज लगेगा और इंपोर्टर को टैक्स देना है, क्योंकि जो सर्विस प्रोवाइडर है वो तो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है। नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में सर्विस प्रोवाइडर है तो टैक्सेबल टेरिटरी में तो इंपोर्टर है, तो इंपोर्टर से हम टैक्स ले लेंगे। तो ये हमारा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है। थैंक यू।